हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द जर्नल। अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं और दिसंबर 2022 में आपको एग्ज़ाम देना है, तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में। क्या होता है, क्या आपको खुद लेकर जाना है, किस कैसे उसको फिल करना है। अगर आपका एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं आई है तो अटेंडेंस रजिस्टर की क्या भूमिका होगी, बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर से करके ना। अटेंडेंस रजिस्टर क्या होता है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए होता है। ये कुछ ऐसा दिखता है अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ, अटेंडेंस रजिस्टर आपको खुद नहीं लेके जाना होता, एग्जामिनर खुद लाता है अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, अगर आपके एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं आई है या सिग्नेचर नहीं आया है तो अटेंडेंस रजिस्टर के लिए एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेके जानी होती है। उसकी वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख लेना, एंड लिस्ट पे वीडियो आ जाएगी। यहाँ पे आपको फ़ोटो खुद की लगानी होगी अगर अटेंडेंस रजिस्टर आपके एडमिट कार्ड पर फ़ोटो नहीं आई है तो। ठीक है, आपको कैसे फिल करना है दे मैं बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ पे आपका रोल नंबर ऑटोमेटिक डल रखा होगा, फ़ोटो भी लग रखी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बस सिग्नेचर कर देना है और कुछ नहीं करना, आपको बस सिग्नेचर कर देना है। यहाँ ये सारा एरिया एग्जामिनर का है, वो फिल करेंगे। आपको बस यहाँ पे सिग्नेचर करना है। फ़ोटो कब लगानी है, जब आपके एडमिट कार्ड पर फ़ोटो नहीं आई हो। ठीक है, इतना ही करना है, कोई अटेंडेंस रजिस्टर आपको लेके नहीं जाना, एग्जामिनर देगा। ठीक है, होप्स आप सबको समझ में आई होगी वीडियो। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो आप। आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।